नवनाथ मल्हारी कसपटे ॲट पोस्ट गोरमाले तालुका बार्शी जिल्हा सोलापूर यहाँ रहने वाला हूँ। मैं 35 से 40 साल तक सीताफल की खेती करता हूँ। पहला मैं अंगूर में भी अंगूर की भी खेती करता था, लेकिन अंगूर को ज़्यादा दवा और ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती थी। ये सीताफल में एक ऐसी वैरायटी मिली है NMK1 नाम की, ये मिलने के बाद हमने पूरी अंगूर की खेती छोड़ दी और सीताफल की खेती करने के शुरू किया। इसमें धीरे धीरे 30-40 वैरायटी हमारे खेत में इकट्ठा किए है और हमने खुद ने 3-4 वैरायटी इसमें निकली है। ये सब देख के कृषि विज्ञान केंद्र सोलापुर यहाँ का कॉन्टैक्ट मेरा हुआ और वहाँ का बहुत मार्गदर्शन मुझे मिलता रहा। और ये वैरायटी में ये जो अच्छी वैरायटी है इसका कैरेक्टर ऐसा इतना अच्छा है, इसका यील्ड ज़्यादा मिलता है। आपका लोकल का जो यील्ड मिलता है 3 से 4 टन तक, इसका 12 टन तक यील्ड मिलता है। इसका साइज भी बड़ा होता है, फल ज़्यादा मिलता है और इसका बीज कम है इसमें, वो फटता नहीं, क्रैकिंग नहीं होता। और इसका और एक कैरेक्टर ऐसा है, ये लोकल का जो सीताफल मिलता है ये बाज़ार में जो आता है वो सब ख़त्म होने के बाद ये शुरू होता है, वो लेट आने वाली वैरायटी है, इसके वास्ते इसका पैसा और ज़्यादा बनता है। वो 100 से 200 तक इसका रेट है मार्केट में पर केजी का। और ये वैरायटी लगाने से हमारा ज़्यादा फायदा हुआ। और ये नरेंद्र मोदी साहब जो बोलते हैं किसान का उत्पादन दुगुना होना है, तो ये वैरायटी में दुगुना से ही ज़्यादा उत्पादन होता है। इसलिए मैं ऐसा बोलता हूँ, जहाँ ड्राई एरिया है वहाँ आप सीताफल लगाने से किसान का बहुत ज़्यादा फायदा होगा। ये लोकल वैरायटी से ही ज़्यादा होता है और इसका रेट भी ज़्यादा मिलता है, पानी भी कम लगता है। जनवरी से जून तक पानी देने की ज़रूरत नहीं, 2 साल के बाद 6 महीने धूप में 6 महीने पानी नहीं देने का, तो बहुत कम पानी लगता है और उत्पादन भी अच्छा मिलता है। ये सीताफल में मेरा इतना काम देख के कृषि विज्ञान केंद्र सोलापुर फार्म भर के दिया ICR को, और ICR में इसका हमारा सिलेक्शन हुआ और प्लांट जीनोम सेवर अवार्ड ये मुझे महाराष्ट्र में सबसे पहला मिला, वो देश में सबसे बड़ा अवार्ड कहते। ये मेरा सीताफल में काम देख के PPVR और FR कायदा 2001 में ये वैरायटी रजिस्ट्रेशन शुरू है। इसका डस्ट चेकिंग 2 बार हुआ है, अभी नवंबर में लास्ट का डस्ट चेकिंग हो जाएगा और मुझे पूरा रजिस्ट्रेशन मिल जाएगा।